जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिग बॉस 14 के मेकर्स ने उठाया इतना बड़ा कदम सिर्फ रुबीना को इस शो का विनर बनाने के लिए। और क्या 1.5 महीने का एक्सटेंशन लिया गया था एजाज खान का पत्ता साफ करने के लिए बिग बॉस 14 से। आपको बता दें कि हर साल बिग बॉस के शो पर एक आरोप लगाया जाता है। यह आरोप किसी और चीज़ का नहीं बल्कि यह है कि शो के मेकर्स हर साल पहले से ही विजेता को चुन लेते हैं और बाद में उसे ही बनाते हैं विजेता। इस साल भी कुछ ऐसा ही कहा गया है बिग बॉस के शो के बारे में कि इस साल भी पहले से ही विजेता को चुन लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये शो शुरू हुआ था उस समय सबको यही लगता था कि सिर्फ एजाज खान ही बन सकते हैं बिग बॉस 14 के विजेता। लेकिन बाद में ये जाना गया कि उनके टक्कर में है रुबीना दिलेक। अगर एजाज खान नहीं तो रुबीना दिलेक हो सकती हैं इस शो की विजेता, क्योंकि उनकी भी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद ये बात सामने आई है कि आने वाले वीकेंड के बार में बिग बॉस 14 में एजाज खान का पत्ता साफ होने वाला है बिग बॉस 14 के घर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिग बॉस 14 के घर से अब जाने वाले हैं एजाज खान। इसकी वजह यह है कि पहले से ही एजाज खान ने एक फिल्म करने की कमिटमेंट दे चुकी है, जिसके कारण उन्हें ये शो छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब इस बात के बारे में पहले से ही बिग बॉस 14 के मेकर्स को पता था। तो क्या यही वजह थी 1.5 महीने का एक्सटेंशन लेने की सिर्फ एजाज खान को बिग बॉस 14 के घर से निकालने की?